विदिशा के आज्ञाराम कॉलोनी में रहने वाली एक महिला रेखा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पति द्वारा होम लोन पीएनबी फाइनेंस कंपनी से लिया था, जिसकी एक बहुत बड़ी राशि जमा की जा चुकी है, लेकिन कंपनी उन पर दबाव बनाकर अन्य ब्याज की राशि जोड़ रही है। पति के देहांत के बाद भी बैंक द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी बात की समस्या को लेकर उन्होंने कलेक्टर से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। ऐसा ना होने की सूरत में उन्होंने परिवार सहित आत्महत्या करने की बात भी कही। मेरे पति का नाम, मैं आज्ञाराम कॉलोनी में रहती हूँ। मैंने शिकायत लेके आई हूँ कि मेरे पति ने पीएनबी हाउस लिमिटेड से लोन लिया था मकान के लिए 30 लाख का, जिसमें से हम 24 लाख रुपया भर चुके हैं। फिर उसके बाद मेरे पति शांत हुए 2020 में, उन लोगों ने मुझसे जबरदस्ती किस्तें भरवाई, मेरे इंश्योरेंस में लोगों ने नहीं दिया है। उसके बाद फिर हर महीने की मैं 16,17,550 रुपए हर महीने किस्त भरती हूँ। 2023 तक मैंने किस्त भरी है। अब वो लोग मुझे बार बार मानसिक और टॉर्चर कर रहे हैं कि आप 2000 अब आप भरेंगे 20,000 रुपए हर महीने, और 16 लाख का 20,000 रुपए कर दिए हैं। मेरे पास अभी उतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं करूँ। उन लोगों मुझसे हर महीने 20,000 रुपए कहाँ से लाऊंगी? मेरी बच्चियां घर में, वो मुझे बार बार मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे इंश्योरेंस भी लोग 30 लाख हुआ, मुझे वो भी इंश्योरेंस भी नहीं मिला है मुझे, और उसके बाद में हर महीने 20,000 रुपए कहाँ से लाऊंगी? मैं कभी, मेरे पास 2 लाख रुपए है, मैं वो कह रहे मुझे लिखित करके दो कि 16 में से 14 हो जाए, पर वो कहते नहीं, ये देने के बाद भी कोई लिखित करके नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद भी कहते हैं आपको 20,000 रुपए हर महीने भरी और आपका 20 लाख रुपए हो गए। ये कहाँ की इंसान है? अगर मेरा न्याय नहीं हुआ तो मैं वादा करती हूँ मैं अपने आत्मरक्षा करूंगी। अभी कलेक्टर साहब ने ये बात कही है कि मैं बात करके देख रहा हूँ, अब देखें बात क्या होती है। पूरे परिवार को मैं मार डालूंगी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरी मानसिक स्थिति मेरी बहुत खराब है, कि मैं दिमाग पूरा टेंशन में रहता है, मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं कहाँ अपनी बच्चियां ले जाऊंगी। मेरा नाम मनीष गुलदासानी है। 2017 में मेरे पापा ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से लोन लिया था, और लोन लेने वक्त बैंक ने, पीएनबी हाउसिंग ने एचडीएफसी इंश्योरेंस एंड आईसीआईसी लोम्बर्ड से एक इंश्योरेंस किया था। और मेरे पिताजी हमेशा ही बोलते थे कि बेटा अगर जीवन में मैं नहीं रहूंगा ना तो मकान की तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे पापा खत्म हो गए 2020 में, रेगुलर किस्तें भरा रही थी 2-3 महीने पर हमने किस्तें नहीं भरी कुछ परेशानी के कारण, पर हमने किस्तें भरना चालू करी 2023 तक हमने किस्तें भरी। अब हमारा बचा था 15 लाख रुपए, इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए, बोलते कि इंश्योरेंस तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे पापा कोरोना के समय पे खत्म हुए और वो 2026 तक वैलिड है इंश्योरेंस, और अब वो ये बोल रहे हैं कोरोना के वक्त खत्म हुए तुम्हें नहीं मिलेगा, हमें 2 साल उन्होंने पागल बनाया, अब उसको मना कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है सर, कलेक्टर साहब ने सिर्फ ये बोला है कि हम बात करके बताएंगे, अभी थोड़ी देर आप इंतजार करो। परिवार में कौन कौन? परिवार में साहब मेरी 2 बहनें हैं, ठीक है, और मैं हूँ और मेरी मम्मी है। परेशान सर हम वास्तव में इतने हैं कि हम अगर ऐसा ज्यादा हुआ तो हम सेल पास खा के पूरा परिवार हम मर जाएंगे।